हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक स्ट्रिंग लाइट की प्रैक्टिकल वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम जानेंगे कि स्ट्रिंग लाइट में जो अंडरग्राउंड केबल में न्यूट्रल ब्रेक फॉल्ट होता है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है और हमें उसमें क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक ही टॉपिक पर प्रैक्टिकल वीडियो को लाने का हमारा एक ही मतलब है, क्योंकि हम चाहते हैं कि स्ट्रिंग लाइट में जितने भी प्रकार के फॉल्ट होते हैं वो सबका सॉल्यूशन आपके पास हो, जिससे कभी भी आपके पास इस प्रकार का कोई भी फॉल्ट आए तो आपके दिमाग में पहले ही उसका सॉल्यूशन आ जाए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यह हमारा केबल में एक जॉइंट लगा हुआ है, जो पहले कभी यहाँ से केबल ख़राब हुई होगी तब लगाया गया था। ये हमारी एम्सुल पुट्टी लगी है जो हम जॉइंट को कवर करने के लिए लगाते हैं। अभी हम इसको अच्छे तोड़ेंगे, इसको तोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत हार्ड होती है, और इसको तोड़ने के बाद हम इसके जॉइंट को निकालेंगे और देखेंगे कहीं जॉइंट फेल तो नहीं हुआ है। कभी कभी क्या होता है, जो जब हम जॉइंट लगाते हैं तो उसमें थोड़ा सा भी लूज कनेक्शन रह जाता है, तो उसमें क्या है, आपस में दोनों तारों के बीच में कार्बन आ जाता है, जिस कार्बन की वजह से आगे जो सप्लाई हमारी पहुँचनी चाहिए वो आगे सप्लाई नहीं पहुँच पाती है। ये जो जॉइंट है हमारा, वो मेन पोल जहाँ से सप्लाई आ रही है और दूसरा पोल जहाँ स्ट्रीट लाइट लगी हुई है वहाँ जा रही है, उन दोनों के बीच में है। तो प्रॉब्लम क्या है, हमारे जो मेन पोल से तो सप्लाई जा रही है, लेकिन जहाँ सप्लाई जा रही है दूसरे पोल जहाँ स्ट्रीट लाइट लगी है वहाँ पर सप्लाई नहीं पहुँच रही है, वहाँ पर हमारा सिर्फ फेस पहुँच रहा है, वहाँ न्यूट्रल नहीं पहुँच रहा है। इसका मतलब है हमारा जो न्यूट्रल है कहीं बीच से ब्रेक हो गया है, तो हमें इसी को चेक करना है। इसीलिए हमने जॉइंट को खोल के देखा। जॉइंट को खोलने से ये हो जाएगा कि हम जब इधर चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा मेन पोल साइड ब्रेक है न्यूट्रल, या हमारा जो स्ट्रेट लाइन लगी है उस साइड पोल साइड है। तो हम क्या करेंगे, इस जॉइंट को अच्छे से खोल के चाकू से इसको साफ़ कर लेंगे, क्योंकि इसमें कार्बन आ जाता है। तो ये कार्बन साफ़ करके अब हम इसको जॉइंट को दोबारा लगाएंगे। इसको अभी हम ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमें इसको सही से लगाना पड़ेगा, अभी तो सिर्फ हमें चेक करना है यहाँ पर कि यहाँ पर सप्लाई आ रही है या नहीं। चलिए, अब जॉइंट को लगाने के बाद हम मेन पोल पर जाएंगे, वहाँ से इसको मेन सप्लाई देंगे पोल पर चढ़ के, और फिर यहाँ पर चेक करेंगे कि यहाँ पर सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। चलिए पोल के पास चलते हैं। अब हम मेन पोल के पास आ गए हैं, यहीं पर हमारी जो केबल है वो यहीं से जुड़ी हुई है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी केबल है उसको हम एक वायर की सहायता से मेन सप्लाई के तीनों फेस आर वाई वी किसी को भी एक के साथ जो हमारे केबल के फेस में हम शॉर्ट कर देंगे किसी वायर की सहायता से, जिससे हमारी सप्लाई है वो केबल में पहुंच जाएगी। और इसके बाद हम वहां पर जाके जहां पर हमने जॉइंट खोला है वहां पर जाके चेक कर लेंगे कि वहां पर हमारी सप्लाई पहुंची या नहीं। तो यहां पर पोल पर हम बेल्ट को अच्छे से बांधेंगे, क्योंकि यहां पर हमें एक चालू लाइन पर काम करना है, तो बेल्ट को अच्छे से बांध लेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, एक इंसुलेटेड वायर लेंगे जिसकी सहायता से हम जो फेस को केबल में शॉर्ट करेंगे। तो ये हमने एक इंसुलेटेड वायर लिया है, और हम इसको क्या करेंगे, अब जो इंसुलेटर है जो हमारा ये वायर जा रहा है, जो हम इसको वायर लगा रहे हैं, इसमें ही हमारी जो केबल है वो फेस जुड़ा हुआ है। तो हमने इसमें क्या है, हमें जो आर वाई वी फेस हैं जो तीनों, किसी एक को इसमें देना है, तो हमने इसमें तार लगा लिया है और हम उसको अब शॉर्ट कर रहे हैं उससे। तो हमने अब शॉर्ट कर दिया है, अब हम यहाँ से जाके वहाँ पर चेक करेंगे कि हमारी वहाँ पर सप्लाई पहुँची या नहीं, जहाँ पर हमने जॉइंट खोला था। तो चलिए वहाँ पर जाके चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो हमारी सप्लाई आ गई है, यहाँ पर दोनों हम न्यूट्रल फेस में टेस्ट लैंप के बाहर को लगाया, और एक बल्ब हमारा कम ग्लो इसलिए हो रहा है क्योंकि 100 वाट का है और एक उसमें 60 वाट का है। अब चलिए नेक्स्ट पोल पे आते हैं हम, यहाँ पर देखते हैं जो हमारे केबल के वायर आ रहे हैं न्यूट्रल फेस, इन दोनों में हमने टेस्ट लैंप के अपने वायर को लगा लिया है, और यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर हमारी सप्लाई नहीं पहुँच रही है, यहाँ पर कोई बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारी सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुँच रही है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो पोल के साइड है पास में, यहाँ पर हम केबल को खोल के देखेंगे, थोड़ा सा खोदेंगे यहाँ पर, और हम पूरी केबल को इसलिए अभी खोल देंगे नहीं क्योंकि आज हमें इस लाइट को चालू करके देना है। अगर हम इस केबल को पूरा खोदेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, और इसके बाद हमारे पास दूसरा भी काम है, कंप्लेन वगैरह, तो पहले हम इसी को खोद के देखेंगे। अगर पास में कोई फॉल्ट है तो जल्दी ठीक हो जाएगा, नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, कहीं दूसरी जगह से न्यूट्रल का अरेंजमेंट करना होगा,
और उसको करने के बाद हम इसको लाइट को आज चालू करेंगे, और फिर जब भी टाइम मिलेगा तो हम इस केबल को सब निकाल के और जहाँ से भी ख़राब होगी वहाँ से केबल को चेंज करेंगे। दोस्तों, हम आपके लिए इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस की रियल प्रैक्टिकल वीडियो प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपके आसानी से समझ में आए कि इसमें क्या काम करना पड़ता है और कैसे करना पड़ता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने केबल को खोद लिया है, लेकिन हमें इधर पर कोई भी फॉल्ट नज़र नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, इसमें आपको ड्राइंग की सहायता से समझाएंगे कि हमने इसमें क्या क्या काम किया है, जिससे कि आपको आसानी से अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, ये हमारा मेन पोल है जहाँ पर हमने वायर को शॉर्ट करके सप्लाई दी थी। तो ये हमारी जो तीनों फेस हैं जो मेन सब स्टेशन से आ रहे हैं, और ये स्ट्रीट लाइट का फेस है, और ये हमारा न्यूट्रल है, और ये इस साइड हमारा ग्राउंड है जो अर्थिंग कहते हैं इसको। तो ये हमारे सब स्टेशन से आ रही है, और हमने ये क्या है, एक फेस को जो स्ट्रीट लाइट से शॉर्ट किया था, ये फेस है, आप उसमें वायर की सहायता से शॉर्ट किया था, ये हम आपको दिखाते हैं। ये इधर जो शॉर्ट किया था जिससे उसमें सप्लाई आई थी, और जिसके वजह से क्या हुआ, यहाँ पर हमारी स्ट्रीट लाइट में सप्लाई पहुँच गई थी। और ये सप्लाई पहुँचने के बाद फिर हमने वहाँ पर चेक किया, यहाँ पर हमारी सप्लाई आ रही थी कि सप्लाई वहाँ पर आई कि नहीं, ये इधर पर जॉइंट था। तो यहाँ पर सप्लाई चेक करने के बाद हमारी सप्लाई जो है यहाँ पर पहुँच रही थी। दोस्तों, यहाँ तक तो हमारी केबल सही है, जो जॉइंट हमारा लगा है यहाँ तक हमारी केबल सही है, लेकिन इससे आगे जो हमारा पोल है स्ट्रीट लाइट का, जहाँ पर हमारी स्ट्रीट लाइट लगी है, जब हमने यहाँ पर टेस्ट लैंप को लगा के देखा तो हमारी यहाँ पर सप्लाई नहीं आ रही थी प्रॉपर। यहाँ पर हमारा फेस तो आ रहा था लेकिन न्यूट्रल नहीं आ रहा था। जो हमारा ये फेस है ये तो सही आ रहा था, लेकिन जो न्यूट्रल है हमारा, ये हमारा बीच से कहीं ब्रेक हो गया है। तो यहाँ पर हमारी जो सप्लाई यहाँ देखा हमने जब, तो हमारी यहाँ पर सप्लाई नहीं आ पा रही थी, लाइट नहीं जल रही थी। तो इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर गड्ढा किया पोल के पास, और यहाँ पर केबल को खोद के देखा, जिससे हमें कोई फॉल्ट नज़र नहीं आया पास में। और हम पूरी केबल को इसलिए नहीं खोद सकते थे क्योंकि करीब ये 100 मीटर का डिफरेंस था पोल से और वो गड्ढा जहाँ पर था कट लगा था। तो यहाँ से हम जब खोदते तो हमें कम से कम 2 दिन लग जाते खोदने में, और हमें लाइट को आज ही चालू करना था इन दोनों को। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम दूसरी जगह से कहीं से न्यूट्रल अरेंजमेंट करेंगे, जिससे आज ये लाइट चालू हो जाए, उसके बाद हम उस केबल को खोद के कभी भी रिपेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा एक और पोल लगा हुआ है जहाँ पर हमारी एक और लाइट लगी हुई है, और जो सप्लाई है हमारी इसी पोल से जाती थी वहाँ पर, तो जिससे हमारी दोनों लाइट एक साथ ग्लो होती थी। तो यहाँ पर हमारा जो फेस वायर है वो तो हमारे उस दूसरे पोल तक जा रहा है, लेकिन जो न्यूट्रल है हमने इसको निकाल दिया है, यहाँ से काट दिया है, क्योंकि हमारा ये पहले से ब्रेक था। तो ये पोल है जो हमारा दूसरा, इस पोल तक तो हमारा फेस तो पहुंच रहा है, और इसी पोल के बगल में हमने देखा तो ये एक बॉक्स लगा हुआ है, ये दिखाते हैं आपको। ये जो बॉक्स है ये यहाँ पर हमारी थ्री फेस सप्लाई है और न्यूट्रल है। तो हम क्या करेंगे, यहीं से जो न्यूट्रल है वहाँ उठा के उस लाइट को दे देंगे। तो ये बॉक्स लगा, ये हमारा किस लिए लगा है, यहाँ पर जो क्वार्टर बने हुए हैं तो यहाँ क्वार्टरों में सप्लाई के लिए हमारी थ्री फेस सप्लाई आई हुई है, और यहीं से हमारा न्यूट्रल आया है। तो हम क्या करेंगे, ये न्यूट्रल उठा के हम जो हमारा पोल है वहाँ पर लाइट लगी है, तो वहाँ लाइट तक हम इस पोल को एक वायर से ले जाएंगे, तो यहाँ पर दे देंगे इसको, तो जिससे हमारे ये इस लाइट के लिए न्यूट्रल फेस दोनों हो जाएंगे, क्योंकि फेस तो हमारा पहले ही से आ रहा है, और जो न्यूट्रल है हमारा यहाँ से दे देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर ब्लू वायर जो है हमने यहाँ से जोड़ लिया जो न्यूट्रल है, और इसको हमने ये लाइट लगी हुई है यहाँ तक दे दिया है। तो इससे क्या है, हमारी न्यूट्रल यहाँ पर पहुँचे लाइट से, और वहाँ से जो वायर डलाता है एक, तो जो पिछला पोल है हमारा वहाँ तक भी न्यूट्रल आ गया है, जिससे हमारे जो ये लाइट लगी है इसको फेस भी मिल गया है और यहाँ को न्यूट्रल भी मिल गया है, जिससे अब हमारी ये लाइट भी ग्लो हो जाएगी, और जो दूसरी लाइट है हमारा इसको भी न्यूट्रल फेस मिल गया है, तो हमारी ये भी लाइट चालू हो जाएगी। तो अब क्या है, हमारी दोनों लाइट चालू हो गई हैं। इस प्रकार हमने टेम्परेरी न्यूट्रल देकर इस लाइट को सही किया है। अब जब तक हमारी केबल सही नहीं होती तब तक हमारी जो लाइट है वो यहाँ से जलती रहेगी। अगर दोस्तों हमारा जो फेस वायर है वह ब्रेक हो जाता तो हमें हल्के हल्के केबल दूसरी डालनी पड़ती, हम इसको फेस दूसरी जगह से नहीं दे सकते थे, क्योंकि अगर हम फेस दूसरी जगह से देते तो हमारी लाइट जो है कभी बंद नहीं होती, हमेशा चालू रहती, क्योंकि जो स्ट्रीट लाइट होती है वो हमारे टाइमर से पर डिपेंड होती है, टाइमर से ऑन ऑफ होती है।